होता है। आपको पता है आपकी एज कितनी है? कितनी है? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 7। आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? आपको किसने बताया आपकी 7 ईयर ओल्ड है एज? मम्मा ने बताया। सबको उनकी मम्मा पापा बताते हैं कि उनकी एज क्या है, क्योंकि उन्हें जब आप पैदा हुए होते हो तो उनको वो डेट याद होती है कि तुम कब पैदा हुए थे और कौन से समय पैदा हुए थे, है ना? सबको याद होती है। और मैक्सिमम एक पर्सन की जो उम्र होती है ज्यादा से ज्यादा 60-70, बहुत रेयर होते हैं जो 100-105 में पहुंच जाते हैं, बहुत कम। पहले टाइम में होता था, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे यहाँ में खाना पीना है, बहुत सारी चीजें हैं, वो इतनी बेकार होती जा रही है ना, कि हमारी बॉडी भी उसी की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया है। उतना ही कम वैल्यू हो गई। कोई भी चीज देख लो, पहले पुराने जमाने की कोई भी मटेरियल उठा के देखो, उसके मुकाबले आज का मटेरियल उठा के देखना, दोनों में बहुत अंतर दिख रहा है। हर चीज में मिलावट होती जा रही है, खानों में मिलावट होती जा रही है, खाने पीने में भी, हर चीज में, ठीक है? तो इसी तरह जो पेड़ होता है, पेड़ की एज तो बहुत ज्यादा होती है, उसकी एज कैसे पता करेंगे हम? कोई बता सकता है? पेड़ की एज कम से कम 100 साल तक पुराने भी पेड़ होते हैं, 1 साल पुराने होते हैं, तो उनकी एज कैसे पता करेंगे? सोचो सोचो, पढ़ा होगा नहीं, कौन सी क्लास में हो तुम? 11th में हो, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, 9th-10th में पढ़ाया जाता है। सिमरन आप बताओ, नहीं पता? कभी आपने सुना होगा कि क्या नाम है, जब पेड़ को काटा जाता है तो उसमें लाइन्स ड्रॉ हुई रहती है, है ना, सर्कल सर्कल से बने रहते हैं, सुना भी होगा या देखा भी होगा। तो मेरे पास भी एक पेड़ का क्या नाम है, कटा हुआ पार्ट है। पेड़ को काट के तो हम नहीं देखेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए कि हाँ हम काट जाके पहले पेड़ काटा, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं उसकी बात, कह रहे भाई ये तो इतना साल पुराना और हमने काट दिया, वाह क्या बात है। तो हम काटेंगे तो नहीं, हमने पीस कट करवा के लाए थे, ये उसका पीस है पेड़ का, टनल से गया तो ऐसा होता ना, पेड़ नीचे से ऊपर जाता है, तो उसका जो टीएस है, टीएस कट कराया हमने ऐसे करके, उसके ऊपर देखो ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये लाइन क्या है और कैसे बनती है ये और इसका मतलब क्या है, है ना? ये जो लाइन है इन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है, एक साल में एक रिंग बनती है, और इसमें दिखाई दे रही होंगी दो लाइन बन रही है अलग अलग, है ना, एक यहाँ बन रही है और एक ये मोटी सी बन रही है। ये जो मोटी सी लाइन है ये स्प्रिंग सीजन में बनती है, और ये जो पतली वाली है ये ऑटम में बनती है, इसे स्प्रिंग रिंग कहते हैं, इसको इसे ऑटम रिंग कहते हैं, और ये पूरी एक होती है। बहुत जगह जैसे हमने पढ़ाया तो वहाँ कहते हैं कि पहले पूरी काउंट करो उसको हाफ करो, अरे पूरी काउंट कैसे कर सकते हो आप? जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन है। अगर मैं काफी सारी लाइन एक साथ ड्रॉ करूँ, एक से एक मिला के, तो आप बता सकते हो कि कौन कितनी लाइन होगी, नहीं ना? अब कौन बताएगा इस पेड़ की एज कितनी है? यहाँ आके काउंट करो, आओ काउंट करो, काउंट करनी है भाई, काउंट कैसे बताओ? इधर से कर लो, चाहे इधर की साइड को नहीं है, कौन करेगा? ऐसे थोड़ी होता है, आप बताओगे? क्यों नहीं होगी भाई? मैंने काउंट करी थी, मेरे को मैंने सबको दिया एक बारी बारी, पहले मैंने पापा को दिया, मैंने पापा से काउंट करना कितनी उम्र है, पापा की आंखें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है उम्र में, तो उन्होंने कुछ बताया, भाई ने कुछ बताया, मुस्कान ने कुछ बताया, मैंने जो खुद काउंट करा मैंने कुछ बताया, दादी ने कुछ बताया, सबके अलग अलग आ रहे थे। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेरे छोटे भाई का आया यूट्यूब, छोटे बच्चों की आंखें नहीं होती, हमारी खराब हो जाती है, दोनों चला चला के उन्नति आओ उठ के आओ। अच्छा चलो यही काउंट कर लो, यही काउंट कर लो। अब ये जो ये वाली लाइन आ रही है ना,
इनको काउंट करना है आपको, आपको काउंट करके बताना है कितनी लाइन है, कितनी लाइन आ रही है यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है। Thank you.
अब सही किसका है, सही किसका है बताओ? उन्नति और सिमरन का। हमारा भी वही था सर, 20-29 का आसपास। हाँ एप्रोक्स वही है, एक्यूरेट नहीं है, बट जो क्या नाम है रियल एज जो है उसकी 30 है। ऐसा होता है कि जो रिंग्स होते हैं ना, रिंग्स में कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं पड़ता, इसी वजह से मैंने यहाँ पीछे शाइनर करा हुआ है, वो उसको पॉलिश कर दी थी ताकि लाइन पूरी एक्यूरेट दिखाई दे। जैसे भी दिखती है जिसको यहाँ जिसकी नजर कमजोर है वो जैसे देखो, दोनों में फर्क नहीं, हंसने की बात नहीं है, दोनों में अलग 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 डिफरेंस होता है। जैसे हम है, हम यहाँ से देखेंगे तो वैसे साफ दिखाई देगी, कई बार गड़बड़ हो जाती है लेकिन इधर से साफ दिखता है। इसकी जो रियल एज है वो 30 है। अब आगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि पेड़ की एज कितनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ को काट दो, कटा हुआ पेड़ जो हो या कोई भी लकड़ी, जैसे कई बार ऐसा होता है आजकल तो जो फर्नीचर है उनमें काफी ज्यादा फैशन वगैरह चल रहा है ये कि पूरी लकड़ी काटी ऐसे उसको टेबल बनाया एपॉक्सी रेजिन डाल के और उसके बाद क्या कहते हैं उसको ऐसी कर दिया, बस वो पेंट वगैरह कुछ नहीं करते, तो उसमें ये जो लाइंस है लाइंस दिखाई देती है, ऐसे लाइंस के ही कहना है अच्छी खासी क्रिएटिविटी हो जाती है। हाँ पेड़ काटते रहते हैं, जो आरा मशीन होती है ना वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, तो वहाँ पे काफी सारे मिल जाएंगे आपको अलग अलग वैरायटी के, जो पूरे पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ आते हैं उसको बीच में काट देते हैं। ठीक है, ये भी कटने के बाद ऐसी रहेंगी, कटने के बाद ऐसी रहेंगी, कटने के बाद चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी एज 30 तक भी काट दो। जब उसको कट करा था ना उसके बाद जब इसकी फिनिशिंग करी उसके बाद ये जो आई है वो 30 आई। अब अगर कोई कोई इंसान है उसकी एज 40 है, 40 के बाद वो मर गया तो उसकी एज बढ़ती रहेगी? नहीं ना, उसकी एज तो 40 40 रहेगी, ऐसी ही है इसकी एज भी 40 40 रहेगी।